जानकी तू जरा वहां जाके बैठ। आ बैठ। हाँ। आज मैं तुझे अगरबत्ती बनाना सिखाती हूँ। तू डर मत, ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है। धीरे धीरे से। शाबाश। ऐसे ही ना। अरे ये क्या कर रहे हो तुम? मैं वजन देख रहा था। वो तो मैं देख रहा हूँ ना। अरे मैंने भी देखा तो क्या फर्क पड़ता है क्यों? कांटा इधर है, वहाँ खाऊ। बराबर है। नहीं बराबर है तो ठीक है। क्या है, सामने से मेरे आंखों में धूप आ रही है ना, इसलिए मुझे बराबर दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ मुझे अच्छी तरह दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छी तरह दिखाई दे रहा है। हाँ ज्यादा हो गया ना। अब देख ठीक है, बराबर। ऐसे ही बना। क्यों पापा मौसी, ठीक है ना? शाबाश, बहुत अच्छा बन रहा। कुछ अक्कल है कि नहीं तुझे? उठ यहाँ से, उठ। क्यों क्या किया मैंने? जहाँ चार आदमी बैठकर काम कर रहे हो वहाँ ये सब तमाशा क्या लगा रखा है तूने? उठ यहाँ से, छोड़िए सब, सब खराब कर दिया। जा अंदर, चल अंदर जा। क्यों क्यों जाओ? मैं क्या किया है मैंने? मुझसे बहस मत कर। रोशनी समझी? रोशनी इतनी छोटी सी बात के लिए इतना गुस्सा होने की क्या जरूरत? अगर मुट्ठी भर माल खराब भी होता है तो क्या हुआ? इसके लिए इस मासूम लड़की पर इतना लाल पीला क्यों हो रही हो? मैं जब से यहाँ आई हूँ मेरे पीछे पड़ी हुई है। मैं जो भी कुछ करती हूँ नुक्स निकालती रहती है, डांटती रहती है। दिल्ली में तो सुननी ही पड़ती थी डांट डपट मिलिट्री वाले डैडी से। 5 बजे उठो, 8 बजे नाश्ता करो, 10 बजे सो जाओ। मैंने सोचा था यहाँ आके 30 दिन आराम से गुजारूंगी, जो भी मन में आए करूंगी। मगर नहीं, यहाँ भी तो मिलिट्री की हुकूमत है। ऐसे मत बैठो, वैसे मत बैठो, ऐसे मत पहनो, ऐसे ओढ़ो। यहाँ पर भी मुझे समझने वाला कोई भी नहीं है, मेरा दोस्त बनने वाला भी कोई नहीं है। मैं तंग आ गई हूँ ऐसी जिंदगी से। पब्ली पब्ली रो मत, आज से इस घर में तुम्हें पूरी आजादी। खूब हंसो, खेलो, कूदो, नाचो, जो मन में आए वो सब करो, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। खूब कूदो, खूब खेलो, नाचो, उदम मचाओ। जब बीजू भैया ने बोला है तो क्या चाहिए? चाहिए तो इसे लात मार सकते हो और इस मनुष्य का मुंह भी काला कर सकते हो। क्या सुंदर, कम से कम लड़के के सामने मेरी इंसूल्ट तो मत कर। और मत भूल ऐसे थी फेल है और मैं साथ में पास। रोशनी, बबली हमारे घर में आई हुई मेहमान है, ये जब तक यहाँ रहे खुश रहे, कभी भी इसकी आंखों में आंसू ना आए, ये देखने की जिम्मेदारी मैं तुम्हें सौंप रहा हूँ।